हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विकी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सर्विसिंग कैसे करते हैं गैस स्टोव का। तो हमारे साथ ये सागर निकम सर हैं, जो कि मतलब पंचगनी में रहते हैं, और उन्होंने वहां से ये सर्विसिंग के लिए आए, तो ये हम लोग को बताएंगे कि कैसे करते हैं। जब हम खाना पकाते हैं ना, उस टाइम जो अपनी रोटी वगैरह रहती है तो बराबर पकती नहीं, हीट की वजह से कम होने की वजह से। हाँ, तो एक दो साल में उसको सर्विसिंग करना पड़ता है। अच्छा, कचरा वचरा जमा हो जाता है, वाल खराब हो जाता है। हाँ, तो हम लोग अभी इस कचरा साफ करेंगे और इसका वॉल चेंज कर लेंगे। तो ये गिलमा का है, भारत गैस से ही हम लोग ने लिया था इसको। तो ये पहले इस बर्नर को हम लोग निकाल लेंगे। इसी तरीके से दूसरा भी निकल जाएगा बाहर। अब ये अंदर जो वॉल्व है दोस्तों, गैस वॉल्व, इसको हम लोग अभी निकाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर इधर ये छोटा सा स्क्रू है, तो स्क्रू को निकाल के हम लोग गैस वॉल्व को बाहर निकाल लेंगे। देखिए, नॉब बाहर निकल आ गया, और ये नॉब का स्प्रिंग भी है इधर। इसके ऊपर बहुत सारा दोस्तों तेल की वजह से जो ये जमा हो गया, देखिए, तो इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे पहले। ये काफ़ी टाइम के बाद हम लोग इसको सर्विसिंग करा रहे हैं, तो इसकी वजह से इतना डर्ट और ये कचरा यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ये इसको हम लोग क्लीन कर लेंगे। तो दोस्तों, बाद में ये पिन बाहर निकाल ली है, ये देखिए। ये अभी गैस कॉक में से जो वॉल्व निकला था दोस्तों, इसको अभी रॉकेल के ज़रिए हम लोग क्लीन कर लेंगे अच्छे से। क्लीन करने के लिए ये मतलब शार्प ऑब्जेक्ट लिया हुआ था, तो अभी ये इसकी क्लीनिंग हो गई है। इसके अंदर दोस्तों कचरा होता है, तो कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से इसको अंदर डाल के क्लीन करना होता है। तो इसको भी अच्छे से रॉकेल से क्लीन कर लेंगे। देखिए कितना डर्ट था इसके ऊपर। अब ये लॉक नट जो है, इसको हम लोग ने इसके अंदर लगा दिया है, तो ये क्लीन करके ये नया लॉक नट जो है वो यहाँ पे इस तरह से लगा दिया। क्योंकि वो थोड़ा स्लिप कर रहा था, तो उसकी वजह से। अभी दोस्तों ये की इन्होंने निकाली है, और की से ये फाइनली इसको लूज कर रहे हैं। इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ये वॉल्व को चेंज कर लेंगे हम लोग। तो ये देखिए, इनके पास बहुत सारे वॉल्व्स हैं। अब ये साइज़ इसमें दोस्तों, ये 80 साइज़ का है इन्होंने बताया, तो ये जो साइज़ अंदर वाला लगेगा वो भी 80 साइज़ का है, तो इसलिए वो ढूंढ रहे थे। 77 साइज। ये हो जाने के बाद में दोस्तों, हम लोग बर्नर को लगा देंगे। बर्नर के ऊपर देखिए बहुत सारा धूल जमा हुआ। फाइनली दोस्तों, हम लोग बर्नर को लगा लेंगे। ये दोस्तों एनुअल चेकअप के टाइम पे ये हम लोग सर्विसिंग करा रहे हैं, तो एजेंसी के थ्रू आए हैं, तो प्रॉपरली बिल वगैरह भी आपको सब मिलेगा इसका। दोस्तों, अभी एक साइड का हो गया, अभी दूसरे साइड का कर लेंगे हम लोग। हो जाने के बाद में दोस्तों, मैं आपको गैस चालू करके बताऊँगा, ठीक है? तो मिलते हैं सेकेंड वाला हो जाने के बाद में। दोस्तों, अभी ये पूरा सर्विसिंग हो गया है, अभी हम लोग इसको चालू करके देखते हैं। और देखिए, फ्लेम को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए, और एक आप गैस के बाजू में खड़े रहोगे ना, तो आपको ऐसे करके आवाज़ आएगा, इसका मतलब गैस अच्छे से चल रहा है करके, एक ऐसे एक ऐसे करके आवाज़ आएगा, जो पहले नहीं आ रहा था इसमें। तो इसी वजह से हम लोग ने वॉल्व को चेंज किया। अभी ये क्लियरली हम लोग सुन सकते हैं, वो जो आवाज़ है जो गैस के बाजू में खड़े होने के बाद में आता है, वो अभी आ रहा है। तो इसका मतलब ये सर्विसिंग दोस्तों सक्सेसफुल हो गई है, कम करके टाइम भी जाता है। और ये कम भी करके देखिए, तो ये जाएगा नहीं। देखिए, कम किया फिर भी, देखिए, ठीक है। पहले इशू आता था जब कम करते थे ना, तो जुब जुब होके कभी कभी बंद भी हो जाता था, लेकिन अभी ये देखिए धीमे आंच पे भी है,
एकदम मस्त चल रहा है ये। ओके दोस्तों, ये था सर्विसिंग का। मैंने सोचा कि एक वीडियो आपके लिए बना दूँ कि अगर आपके गैस में से आवाज़ नहीं आ रहा है या फिर स्लो होने के बाद बंद हो रहा है वो, तो इसका मतलब आपको सर्विसिंग कराना है और वॉल चेंज करवा लेना है। ओके तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सर जी को हम लोग थैंक यू बोलना चाहेंगे, थैंक यू आपने डेमोन्स्ट्रेशन किया। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय।